करणवीर शर्मा जो रिसेंटली शौर्य और अनोखी की कहानी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं, नो डाउट इस शो ने उनकी फैन फॉलोइंग डबल की है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बातें, स्माइल, सब कुछ रियल ही लगता है। साथ ही रियलिटी में भी ना उनमें कोई ईगो दिखाई देता है और ना ही कोई एटीट्यूड। चाहे वो अपना कोई इंटरव्यू दे या कोई मूवी प्रमोशन करे, वो इतनी वार्म पर्सनैलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर के साथ हर बात का जवाब देते हैं कि यही रीजन रहा है कि ज्यादातर लड़कियां पहली बार ही करणवीर को देखते ही उन पर फिदा हो गई थी। पर केवल शौर्य जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि करणवीर ने टीवी शोज के अलावा मूवीज, वेब सीरीज में भी काफी इंटरेस्टिंग रोल्स निभाए हैं। जो फैंस आज करणवीर की एक्टिंग को अच्छे से पहचानते हैं, उनका यही मानना है कि बॉलीवुड सिर्फ खान्स और कपूर्स को ही चांस दे रहा है, पर करणवीर जैसे गुड स्किल्स वाले एक्टर्स को बॉलीवुड में किक कर दिया जाता है। इन सब बातों पर करणवीर का क्या मानना है, साथ ही उनके अब तक के निभाए गए रोल्स के साथ साथ इस वीडियो में मैं शुभी आपको करण की लाइफ से जुड़े बचपन के किस्सों से लेकर उनके करियर और शादी से लेकर स्ट्रगल से सक्सेस तक की जर्नी बताऊंगी, साथ ही करण की लाइफ से जुड़े रूमर्स और प्रपोजल जैसे कई किस्सों के बारे में भी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो करणवीर की कहानी शुरू होती है रूमर से, या कहूं कि एक मिसकंसेप्शन से। दरअसल करणवीर की बर्थ डेट एंड प्लेस गूगल करने पर हर तरफ उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान ही शो होती है। यहां तक कि विकिपीडिया पेज पर भी कुछ टाइम पहले तक यही शो हुआ करता था, पर बाद में करण ने उसे एडिट कर दिया। करणवीर का जन्म पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र में 18 सितंबर 1984 को हुआ था। उनके स्कूलिंग से लेकर उनकी परवरिश भी मुंबई में ही हुई। करण की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक मासी भी उन्हीं के साथ रहती है और करणवीर अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड है। उनके फादर बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड रहे हैं और वो पहले एडिटर बतौर काम किया करते थे, जिसके लिए उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री पुणे द्वारा गोल्ड मेडल भी दिया गया था। बाद में कुछ मूवीज में उन्होंने एज अ डायरेक्टर भी काम किया, उनमें से एक मूवी माला माल उस टाइम काफी हिट रही थी। साथ ही आदित्य पंचोली को भी करणवीर के फादर ने ही लॉन्च किया था। पर करण के फादर की लाइफ में यहाँ तक का रास्ता बनाने में काफी स्ट्रगल्स रहे और वो बस चुनिंदा मूवीज ही डायरेक्ट कर पाए। करणवीर को अपने फादर के इस बॉलीवुड कनेक्शन होने का फायदा मिला भी और नहीं भी, पर इस बारे में बात करने से पहले उनके बचपन के कुछ किस्से जान लेते हैं। करणवीर काफी यंग एज से ही अपने फादर के फुटप्रिंट्स फॉलो करके फिल्म इंडस्ट्री ही ज्वाइन करना चाहते थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लिया करते थे। साथ ही काफी बार अपने फादर के साथ शूटिंग सेट्स पर भी उनका आना जाना होता रहता था। वैसे तो करण आज काफी शाय हैं, पर उनके अंदर का एक नॉटी पार्ट उनकी लाइफ में काफी कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स ला चुका है। एक्चुअली बचपन में करणवीर अपने एक स्कूल फ्रेंड का रोज लंच बॉक्स खा जाते थे और कभी उसे पता ही नहीं चलता था कि आखिर खाना गायब कहाँ जाता है। जब वो करण से पूछता तो वो कहते कि देख यार, मेरा भी टिफिन कोई खा गया, जबकि करण खुद का भी खाना खुद ही खाते थे और अपने फ्रेंड का भी। बाद में इस चोर से परेशान होकर वो जिप कवर में लंच लाने लगा, वो भी छोटा सा लॉक लगाकर, पर करणवीर उसे भी पेंसिल डालकर खोल लेते थे और उनका वो फ्रेंड आज तक नहीं जानता कि उनका वो टिफिन चोर कौन था। ऐसे ही एक बार जब वो किसी रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर गए थे, तब वहाँ एक लड़की भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। उस टाइम करण शायद 11th या 12th स्टैंडर्ड में थे। करण उस लड़की के बारे में कहते हैं कि उन्हें वो लड़की इतनी खूबसूरत लगी थी कि उन्होंने आज तक भी इतनी ब्यूटीफुल लड़की अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। ये उनके लिए लव एट फर्स्ट साइट था और करणवीर ने उस लड़की के केक के पास अपने पेरेंट्स से छुपते छुपाते एक बर्थडे नोट भी लिख दिया था। फिर आगे का किस्सा तो करणवीर कभी शेयर नहीं करते और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में वो किसी रिलेशनशिप में है या नहीं, ना ही ये कुछ बताते हैं। ये वीडियो बनाते बनाते पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा फील हुआ कि करण आज सीक्रेटली मैरिड भी है और शायद इसी लड़की के साथ ही, पर इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले उनकी एजुकेशन से करियर की बातें जान लेते हैं। करण वैसे भले ही नॉटी थे, पर अपनी स्टडीज को लेकर वो काफी सिंसियर थे। उन्होंने कभी भी अपनी स्कूल लाइफ में चीटिंग नहीं की। यदि उन्हें एग्जाम में कुछ नहीं भी आता था तो भी वो मन से आंसर्स लिख देते थे, पर कभी चीट नहीं किया। वो मानते थे कि चीटिंग करने से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तभी उनके एक फ्रेंड ने उनसे कहा था कि टीचर कभी पूरा आंसर नहीं पढ़ती, इसलिए स्टार्टिंग एंड एंड पेज में क्वेश्चन रिलेटेड लिखकर पेज में कुछ भी लिख देना चाहिए। और अपनी फ्रेंड की ये एडवाइस मानकर करण ने एक बार बीच में हम तुम्हें कमरे में बंद हो सॉन्ग लिख दिया था और उनकी टीचर ने वो आंसर पढ़कर वो आंसर शीट उनके मुंह पर फेंक कर मारी थी। पर क्योंकि करण को हमेशा से ही फिल्म एंड डायरेक्शन फील्ड में जाना था, उनके पेरेंट्स ने भी उनके इस डिसीजन को हमेशा ही सपोर्ट किया और उन्हें 16 साल की एज से ही लाइफ में जो भी मन था वो करने की फ्रीडम दे दी गई थी। बट लेट नाइट तक घर से बाहर रहना उन्हें अलाउड नहीं था। अपने फादर के क्लोज रहे और नंबर गेम बिलीवर रहे करणवीर के लिए उनके फादर की बर्थ डेट 7 सितंबर का 7 नंबर बहुत लक्की नंबर रहा है। हमेशा से ही एक सेंसिबल और मिडिल क्लास लिविंग उनके फादर ने भी जी और करण
खुद भी आज तक वैसे ही हैं। करण भी बताते हैं कि वो काफी सीधे लोग हैं, यानी पैसों की वैल्यू करना उन्होंने हमेशा से ही ऐसी लाइफ ही जी है और करियर में अपनी पहचान किसी बैकग्राउंड की वजह से नहीं बनाई, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपना रास्ता तय किया। करण ने इस फील्ड में आने से पहले से ही बैकअप प्लान्स की प्रिपरेशन कर ली थी और वो अपनी एजुकेशन पूरी खत्म करना चाहते थे। उन्होंने पहले बीकॉम में ग्रेजुएशन की, फिर सोचा कि अपनी फील्ड से रिलेटेड भी उन्हें कुछ स्टडी करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड चूज की। वो एमबीए कर रहे थे बट बीच में ही उनके करियर को सही डायरेक्शन मिल गई और वो अपने फ्यूचर को लेकर श्योर भी थे, तो उन्होंने एमबीए बीच में ही ड्रॉप कर दिया। इसी दौरान उन्होंने साइड बाय साइड एडिटिंग सीखकर बतौर एडिटर काम करना शुरू कर दिया था। फिर बतौर असिस्टेंट काफी एड फिल्म्स असिस्ट करने के बाद प्रोडक्शन का भी काम वो सीखते रहे। 16 साल की एज से ही उन्होंने अर्निंग शुरू कर दी थी और अपनी फर्स्ट सैलरी जो कि 50 रुपए की थी वो अपनी माँ को ला कर दी। इवन आज तक वो अपनी किसी भी प्रोजेक्ट की फर्स्ट मंथ सैलरी अपनी माँ को ही देते हैं। इसी तरह इतना कुछ सीखते सिखाते यानी असिस्टेंट की जॉब करते टाइम जब कोई एक्टर एब्सेंट होता था तो उन्हें एक्टिंग भी करने को मिल जाती थी। तभी वहीं कुछ प्रोडक्शन एजेंसी के लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। तभी उनके किसी फ्रेंड ने एक कैंपेन के बारे में उन्हें बताया जहां एक स्पोर्ट्स कार के एड के लिए एक एंग्लो इंडियन फेस की तलाश थी और उन्हें उनकी लाइफ का फर्स्ट एड इसी तरह मिल गया। तब उनकी एक्टिंग देखकर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी ऑफर की थी, जिसमें करणवीर से पहले शाहिद कपूर एज अ लीड कास्ट किए जा चुके थे, पर कुछ रीजंस के चलते करण ने इस मूवी के लिए ना कर दिया और बाद में ये रोल रणवीर कपूर को दे दिया गया। ये वो टाइम था जब करणवीर अपने एक्टिंग करियर को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। उसी बीच उनकी मुलाकात एक्टर अनुपम खेर से हुई। अनुपम खेर ने उन्हें इस फील्ड में ट्राई करने को कहा और अपने इंस्टीट्यूट एक्टर प्रिपेयर भी बुलाया। करणवीर ने एक ट्राई देने के लिए वहां एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया और उन्हें सिर्फ 3 मंथ्स में ही ये रियलाइज हो गया था कि वो एक्टर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि रोज सुबह उन्हें इस काम के लिए उठना अच्छा लगने लगा था और बस ये एक्टिंग कोर्स उनकी करियर का लाइफ चेंजिंग गेम साबित हुआ और तब से ही वो इस करियर को सीरियसली लेने लगे। इसके बाद उन्होंने एप्पल आईपैड, जीवनसाथी.com जैसी कई कंपनीज के लिए एड्स किए, जिनमें से जीवनसाथी का एड इतना फेमस हुआ था कि काफी आंटीज उनसे आकर ये कहा करती थी कि जीवनसाथी पर आपका प्रोफाइल किस नाम से है। कुछ एड्स में काम करने के बाद उनकी लाइफ में एक लो फेज भी आया जब उनके पास कोई काम ही नहीं बचा था। तब वो प्रोड्यूसर से सिर्फ एक मीटिंग के लिए उनके ऑफिस में बिना कुछ खाए पिए पूरा पूरा दिन वेट करने में ही निकाल देते थे। पर अब टाइम बदल चुका है, अब एजेंसीज न्यू कमर्स की मीटिंग्स प्रोड्यूसर से अपॉइंटमेंट के थ्रू करवा देती है। एड्स में काम करने के बाद उन्हें 2013 में साडा अड्डा नाम की मूवी में समीर खन्ना के रोल से लॉन्च मिला, जिसकी स्टोरी एक्टर्स के ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड थी। इसके बाद 2014 में विवेक अग्निहोत्री की जिद मूवी में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर मनारा चोपड़ा के साथ काम किया, जिसका सॉन्ग तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए काफी पॉपुलर हुआ था। इस मूवी में करण ने रोहन का रोल निभाया था। जिद मूवी के प्रमोशन के दौरान उनकी मुलाकात काफी बार एक्टर प्रियंका चोपड़ा से हुई और उनके हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से करणवीर काफी अट्रैक्ट हुए और तभी से वो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस भी है। करण कहते हैं कि वो काफी एक्टर्स से मिले हैं, इसलिए वो ही ये बात जानते हैं कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा किस लेवल तक एक सॉर्टेड एक्ट्रेस है और क्यों वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। फिर उसी साल 2014 में उनके टीवी डेब्यू की शुरुआत सियासत सीजन 1 से हुई। इसमें उन्होंने अकबर के बड़े बेटे सलीम का रोल निभाया था। वहीं जिद मूवी के बाद उन्हें ईयर 2016 में अजहर मूवी में मनोज शिंदे का सपोर्टिंग रोल, उसके बाद शादी में जरूर आना में शरद का कैमियो अपीयरेंस देने का मौका मिला। पर करणवीर को मूवीज में उस तरह का काम अभी तक नहीं मिला था जैसा वो डिजर्व करते थे। करण कहते हैं कि हर एक्टर को एक पुश चाहिए होता है, पर उन्हें बॉलीवुड में कभी वो पुश नहीं मिल पाया। पर वो मानते हैं कि यदि किसी एक्टर में टैलेंट है तो उसे पुश मिलेगा ही, और इसीलिए वो वेब सीरीज को अच्छा मानते हैं क्योंकि वेब सीरीज में सही टैलेंट की पहचान जल्दी होती है। बाद में 2016 में कलर्स टीवी के शो 24 में राज सिंह और 2017 में गर्ल इन द सिटी में करण भाटिया के रोल के बाद 2018 में एक कॉमेडी शो मंगलम दंगलम में और 2020 में शौर्य और अनोखी की कहानी से उन्हें एज अ लीड फेस वो पहचान फाइनली मिल सकी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि करणवीर अब चाहे जो भी शो करे या मूवी या वेब सीरीज, उनके फैंस उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक्टिंग करियर में उन्हें रिकॉग्निशन 2018 में अल्ट बालाजी की वेब सीरीज हक से में रघु ठापर के रोल से मिलने लगी थी, जिसके बाद वो ब्लैंक मूवी में रोहित नाम के एक एटीएस ऑफिसर का रोल भी निभा चुके हैं, जिसमें सनी देओल लीड एक्टर थे। फिलहाल वो एक मूवी और थर्सडे की भी शूटिंग कर रहे हैं। उनके रीसेंट शो में उनकी और दिबत्मा साहा की केमिस्ट्री ने टीवी पर आग लगा रखी है और दोनों को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं। वैसे करण टीवी पर कितने ही एग्रेसिव रोल्स कर ले बट इन रियलिटी वो काफी काम पर्सन है। हमेशा से ही करण डेस्टिनी बिलीवर रहे हैं और होम लवर भी। करणवीर पहले हाइड्रोफोबिक हुआ करते थे और एक बार
बार वो अपने फ्रेंड की किसी पार्टी में पूल में भी डूबने लगे थे, बट उनके फ्रेंड्स ने उन्हें सही टाइम पर बाहर निकाल लिया था। पर क्योंकि मूवी रोल्स काफी कुछ डिमांड करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वो डर स्विमिंग सीख कर भगा दिया। वैसे पर्सनली करणवीर को वेब सीरीज में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। करण कहते हैं कि मूवीज में कुछ मंथ्स काम करने के बाद काफी मंथ्स तक कोई काम नहीं रहता, वहीं टीवी पर रोज 10-12 घंटे काम करने से वर्कलोड काफी बना रहता है और सेम ही एक्ट करना रहता है। वहीं वेब सीरीज में वैरायटी रोल्स भी करने को मिलते हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। करणवीर क्योंकि प्रोडक्शन की टेक्निकलिटी को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनका टीवी पर हर रोल बहुत स्मूथ और एक मूवी टाइप फीलिंग देता है। और वो मानते हैं कि किसी भी रोल को रियलिस्टिकली प्ले करने के लिए उस काम को ही अच्छे से करके सीख लेने से ही रोल में जान डाली जा सकती है। और इसलिए एक गैराज शूट के लिए उन्होंने कार सर्विसिंग का काम पर्सनली गैराज जाकर सीखा था। साथ ही किस एंगल से परफेक्ट शॉट आ सकता है जिससे को एक्टर्स का भी शॉट खराब ना हो, जैसे को एक्टर पर शेडो ना पड़े और ना ही उनका एंगल खराब हो, इस तरह की टेक्निकलिटी भी वो अच्छे से जानते हैं। उनके फेवरेट हीरो आमिर खान है और अमिताभ बच्चन से उन्होंने रिहर्सल करना सीखा है। आज इतनी एज एंड एक्सपीरियंस लेने के बाद भी अमित जी किसी भी शॉट से पहले खुद को प्रिपेयर करना नहीं भूलते। साथ ही उनकी कही बात कि एक्टर को हर दिन ही स्ट्रगल करना ही पड़ता है, इन सब बातों से करण काफी इंस्पिरेशन देते हैं। करण को फेक लोग बिल्कुल नहीं पसंद और जोया अख्तर उनकी फेवरेट डायरेक्टर है, क्योंकि वो हर छोटे बड़े इंसान को सेट्स पर इक्वल रिस्पेक्ट देती है। इसके अलावा भी वो उनके फ्रेंड कम यूट्यूबर आशीष चंचलानी से भी इंस्पिरेशन देते हैं, साथ ही हम जैसे नॉर्मल लोगों से भी, और चाहे जिसमें भी जो भी टैलेंट दिखे या ह्यूमर, वो उसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करते हैं। करण कहते हैं कि उन्होंने रोमांटिक, एक्शन एंड कॉमेडी तीनों रोल्स निभाए हैं। उनमें से कॉमेडी रोल प्ले करना मुश्किल, एग्जॉस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग होता है, और उन्हें वो ही रोल ज्यादा पसंद भी है। अपनी वो साइड वो मंगलम दंगलम शो में दिखा चुके हैं, पर क्योंकि एक्शन सीन्स में एक्टिंग के साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसलिए उन्होंने एक्शन रोल ज्यादा निभाए हैं। जहाँ सब लोग धनतेरस पर गोल्ड खरीदते हैं, वहीं करण वार्म क्लोथ्स खरीदना प्रेफर करते हैं। साथ ही वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ओल्ड स्टफ को कलेक्ट करके अपने एनजीओ एप्रो ग्रीन टेक में देते हैं, जो सैनिटाइजेशन और रिसाइकलिंग का काम करती है। करण कहते हैं कि उनको ये छोटी छोटी चीजें दूसरों के साथ शेयर करके खुशी मिलती है। लास्टली करणवीर कभी अपनी लव लाइफ जैसी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर नहीं देते और डेटिंग रिलेटेड बातों पर भी मना कर देते हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान उनके जूम कॉल का नाम करणवीर एरियानास पापा लिखा था, जो हो सकता है किसी और की आईडी हो, पर यदि ऐसा होता तो आगे करणवीर आखिर क्यों लिखा रहता। साथ ही जो इंसान लव और लड़कियों जैसी बातों पर इतना ऑकवर्ड फील करने वाला लगता हो, वो लव एट फर्स्ट साइट वाले क्वेश्चन पर उस बर्थडे गर्ल की इतनी तारीफ कर सकता है, पर आगे क्या हुआ ये रिवील नहीं किया। इसलिए मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों करणवीर मैरिड लगते हैं, जो हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ। आपका इस बारे में क्या मानना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे ही यदि किसी सेलिब्रिटी का वीडियो आप देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये दोनों बातें मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।